डिशवॉशर का डिटर्जेंट है। और ये देख लीजिए आप, ये मेरे पास है IFB नेपच्यून VX मॉडल का डिशवॉशर। मुझे 3 साल हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए। आप देख लीजिए, ये इसका स्टैंड भी इसके साथ में ही है। और ये 12 प्लेट सेटिंग्स का डिशवॉशर है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसी होती है ये मशीन। तो ये यहाँ पर जो है ये रिनसेट का है, इसके अंदर आप रिनसेट डाल सकते हो। यहाँ पर डलता है इसके अंदर रिनसेट। और ये इसकी सेटिंग्स है, देखिए 1, 2, 3, 4। मैंने इसको 2 पे रख रखा है, आप चाहे तो किसी पे भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। और इसको यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे उसके बाद। और ये होता है आपका डिटर्जेंट का बॉक्स, यहाँ पर आप जो है डिटर्जेंट डाल सकते हैं। इसकी क्वांटिटी भी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप टैबलेट यूज़ करते हैं तो टैबलेट भी इसके अंदर रखी जा सकती है। तो 1 स्पून डिटर्जेंट जो है वो इसमें सफिशेंट होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं डिटर्जेंट जो है वो कितना डालती हूँ। एक बार के लिए इसके अंदर सिर्फ ये क्वांटिटी जो है ये सफिशेंट होती हैं, ये मैंने डाल दी हैं। और अब इसको हम कर देंगे यूज़। चलिए अब मैं आपको डिशवॉशर की रैक्स दिखा देती हूँ। ये लोअर रैक है, इसमें देखिए ये कटलरी बास्केट आती है। ठीक है, अगर आपके घर में पार्टी हो, कुछ भी हो, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपने जो कटलरी आइटम्स हैं वो अरेंज कर सकते हो। ये इस तरीके से जो है ओपन हो जाती हैं और इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको जो है बाहर रख देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर भी रैक्स दिए होते हैं स्पून के। और ये डिटैचेबल है, ये दोनों आप अलग भी कर सकते हो इस तरीके से। ये जो हुक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये स्लाइड करके आप इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आपको एक बास्केट चाहिए तो आप एक भी सिंगल भी यूज़ कर सकते हो। और ये मैं आपको सेटिंग्स दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 प्लेट्स जो हैं वो आ जाएंगी और बाकी की इधर आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बने हुए हैं इधर। ठीक है, और इधर 1, 2, 3, 4, 5 बने हुए हैं, 7 एंड 5, 12। तो ये पूरी 12 प्लेट्स की सेटिंग्स हैं। अब आप इसमें देखिए, इधर भी छोटी छोटी अगर प्लेट्स आप अरेंज करना चाहते हैं तो ये एडिशनल दिए हुए हैं। रैक्स जो हैं ये इधर भी हैं, ये एडजस्टेबल होते हैं। अगर आपके पास बर्तन रखने हो और आपको प्लेट्स नहीं चाहिए तो आप इन रैक्स को जो है क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बंद करके यहाँ पर बड़े बर्तन जो हैं वो भी रख सकते हो। तो ये इस तरीके से हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। और ये अलग भी हो जाती है, जैसे आपको सफाई करनी हो डिशवॉशर की तो ये रिमूवेबल है, इसको आप हटा सकते हैं। देन आइए बात करते हैं विंग्स की। ये विंग्स लगे हुए हैं और इनमें ये होल्स है, यहीं से जो ये डिशवॉशर है क्या करता है, डिटर्जेंट को पोर करता है यूटेंसिल्स पे। ये इस तरीके से घूम घूम के कोने कोने में बर्तन के क्या करता है, डिटर्जेंट को स्प्रेड करता है। और ये है आपका ड्रेनेज का जो फिल्टर है वो है, इसमें अगर कोई भी बड़े पार्टिकल्स वगैरह होंगे तो वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ताकि जो आपका डिशवॉशर है वो ख़राब ना हो अंदर से। इस तरीके से हैं, देखिए ये ड्रेन होल है। तो इसको आप वीकली या वीक में 2 बार जैसी आपकी नीड हो उसको आप साफ़ कर सकते हैं। और ये है आपका सॉल्ट का कंपार्टमेंट, इसके अंदर जो है सॉल्ट डलता है, वो महीने में एक बार ही डालना होता है आपको। डिशवॉशर जो है वो इंडिकेट कर देता है कि सॉल्ट जो है वो अभी ज़रूरत है सॉल्ट की। ये घर वाला सॉल्ट नहीं है, डिशवॉशर का सॉल्ट जो है वो अलग आता है, जो क्या करता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। अब ये देखिए अपर रैक, ये अपर रैक के विंग्स हैं, ये देखिए। तो इनमें भी होल्स लगे हुए हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अपर बास्केट जो है इसके अंदर डिटर्जेंट को क्या करते हैं, पोर करते हैं। और ये अंदर से देख लीजिए स्टेनलेस स्टील की है बॉडी जो है पूरी। हीटर्स लगे होते हैं, पानी को ये क्या करते हैं, हीट करते हैं और इवेपोरेट करते हैं, स्टीम जो है उसको बनाते हैं। अब ये बास्केट देख लीजिए, इसका भी
आपको, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये आप निकाल भी सकते हैं, नहीं यूज़ हो तो आप ऐसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी स्पूंस आ जाती हैं, नाइफ्स आ जाते हैं, यहाँ पर भी स्पूंस आ जाती हैं, तो मुझे फिर इस बास्केट की नीड नहीं होती, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती। ये देख लीजिए, डिफरेंट आइटम्स को रखने के लिए यहाँ पर ये स्पेस बने हुए हैं। यहाँ रख सकते हो, इसके अंदर रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे। मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके और एडजस्ट करके नीचे ही रखती हूँ। और यहाँ पर मैं कटोरियाँ लगाती हूँ, हमारे घर में कटोरियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो मेरे लिए वो फ्रूटफुल हैं। आपके घर में कप्स होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये सारी सेटिंग है, इसके अंदर बास्केट जो है वो हम रखते हैं। और बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। ये देखिए, अब मैं आपको इसका पैनल बोर्ड दिखा देती हूँ। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये अगर आपको एक्स्ट्रा साफ करना है, एक्स्ट्रा हाइजीन है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो ये वाला बटन प्रेस कर दीजिए। अब हाफ़ लोड का क्या सिस्टम है? हाफ़ लोड, ये देखिए, ये यहाँ पर, ये ऊपर जो रैक बनी हुई है ये है अपर रैक। हाफ़ लोड में आप अपर रैक रख रहे हो और ये है लोअर रैक, या लोअर रैक रख रहे हो, तो जो विंग्स होंगे वो क्या करेंगे, अगर आप अपर किए हैं आपने तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाली जो बास्केट है उसको ही साफ़ करेंगे, और अगर नीचे वाले किए हैं तो नीचे वाले को साफ़ करेंगे, ठीक है। तो हाफ लोड का ऑप्शन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हाफ में काम होता नहीं है। देखिए, ये प्री वॉश का ऑप्शन है, इसके आगे आपको 15 मिनट के अंदर या 18 मिनट के अंदर जो है इसमें सिर्फ प्री वॉश होते हैं। प्री वॉश मतलब कि जैसे दिवाली की आप सफाई कर रहे हो, अंदर से आपने कटलरी सेट निकाला है जो इतना गंदा नहीं है, सिर्फ डस्ट है, तो उसके लिए सूटेबल है। और ये क्विक 30 है, ये 30 मिनट्स के अंदर क्या करता है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आपके बर्तन साफ़ करता है। ये सेम आगे आपको टेम्परेचर लिखा हुआ है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 65 डिग्री, डेली पे डेढ़ घंटे का साइकिल होता है, 60 डिग्री पे टेम्परेचर होता है। तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं, आपकी जैसी नीड हो आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इको का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करता है, कम यूज़ करता है, लेकिन इसके अंदर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैंने इसको इतना यूज़ नहीं करती हूँ मैं। और ये देखिए वॉश का, जब आपके बर्तन वॉश हो रहेंगे तो यहाँ इंडिकेट करेगा लाइट, रिंस होंगे तो यहाँ पे, ड्राई होंगे तो यहाँ पे, और एंड हो जाएगा साइकिल तो यहाँ पर। और ये दो जो इंडिकेटर्स हैं ये आपका सॉल्ट के लिए है, कि आपके डिशवॉशर में सॉल्ट ख़त्म हो गया है तो आपको क्या करना है, सॉल्ट डालना है, इसलिए ये जो लाइट है यहाँ पर ब्लिंक होने लग जाती है। और ये आपके रिंस एड का है, रिंस एड एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो आपके बर्तनों को क्या करता है, शाइन प्रोवाइड करवाता है। और ये अगर आपको, मान लीजिए आपने कोई साइकिल, ये प्रोग्राम बटन है, यहाँ पर जब आप डिशवॉशर को ऑन करते हो तो इको पे आता है ऑटोमेटिकली, और इसको आप प्रेस करके ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्राम सेट कर सकते हो। और ये स्टार्ट और पॉज का बटन है, अगर मान लीजिए आपने गलती से दूसरा प्रोग्राम सेट कर दिया तो आप इसको प्रेस करेंगे 3 सेकेंड तक, तो जो पहले वाला प्रोग्राम है वो ऑटो डिलीट हो जाएगा और नॉर्मल पे आ जाएगा, फिर आप अपने पसंद का प्रोग्राम फिर से सेट कर सकते हो। तो ये इसके कंट्रोल्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, मैं अपना जो प्रोग्राम है वो सुपर 50 पे सेट करती हूँ, यहाँ पे 50 मिनट्स लगते हैं। ये देखिए, ये टाइम आ रहा है 50 मिनट्स, और टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। और ये यहाँ पर आ रहा है वॉश, यानी कि बर्तन अब आपके क्या हो रहे हैं, वॉश हो रहे हैं। मैंने यहाँ से क्या कर रखा है, पोज कर रखा है, जब आप पोज करते हो तो ये लाइट जो है वो क्या होती है, ब्लिंक होती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ये डिटैचेबल है, तो ये देखिए ये हुक्स लगे हुए हैं, इस एक इसके हैं और एक इसके हैं, तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक चाहिए तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है डिशवॉशर की, कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं यूज़ करती हूँ, कभी किसी के घर में पार्टी वार्टी हो, ज़्यादा कटलरी हो, तो ये यूज़फुल रहती है। और ये रहा मेरा बर्तनों का ढेर, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको मैं कैसे अरेंज करूँगी इस डिशवॉशर के अंदर। पहले तो मैं ये ग्लास वगैरह, कप्स वगैरह जो हैं, ये देख लीजिए आप, इनको अरेंज करने वाली हूँ, और फिर देखेंगे कैसे साफ़ होते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इनको इधर कर देंगे हम, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे बर्तन मैं इस तरीके से अरेंज कर देती हूँ,
सारे ग्लास वगैरह इस साइड आ गए हैं और बाकी के इधर देंगे। तो ये मैंने इधर भी अरेंज कर दिया है। ये देखिए इसकी ग्लास की क्या है, हाइट ज़्यादा है तो ये देखिए ये नीचे है, ये एडजस्ट हो जाता है यहाँ से, आप इतना तक यहाँ पर इसको रख सकते हो, देखो कितना गैप पड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दिया मैंने। अब ये जो बचे हैं स्क्रूज जो हैं, इनके अंदर मैं इस तरीके से, हमारे ये इस तरीके की कटोरियाँ, बड़ी बड़ी कटोरियाँ जो हैं वो यूज़ होती है गाँव में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी कटोरी जो हैं वो अरेंज हो जाती है इसके अंदर। साइज़ देख लीजिए आप कटोरी को, ये मैंने यहाँ पर लगा दी और ये सेम इस साइड भी लगा देंगे। देखिए आप से लोगों के मिथ्स होते हैं कि डिश वॉशर में जो बर्तन हैं आपको क्लीन करके रखने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको क्लीन करके रखने होते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी लेफ्ट ओवर आइटम जो होता है उसको आपको निकालना पड़ता है, अदरवाइज आपकी जो ड्रेन है वो फ्लो हो जाती है। तो सेम सिंक के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ये देखिए जब हम मैनुअल वॉश करते हैं तब भी तो हम लेफ्ट ओवर निकाल के ही वॉश करते हैं, अदरवाइज सिंक का भी जो ड्रेन है वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। देखिए तो आप देख लीजिए कितने जो कटोरियां हैं वो यहाँ पर एडजस्ट हो गई हैं। ये मैं यहाँ पर छोटी वाली रख देती हूँ इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हम अभी स्पून्स जो हैं वो अरेंज कर देंगे। तो आप देख लीजिए इतने सारे बर्तन ऊपर वाले में मैंने रख दिए हैं। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि हर कोने कोने में आपके जो बर्तन रखे हैं उसमें पानी पहुंचना चाहिए, ये जो स्प्रेज होते हैं इनका, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चलिए अब स्पून अरेंज कर देते हैं। अब हम स्पून अरेंज कर देते हैं, कुछ नहीं करना आपको, सीधा डायरेक्ट इसके अंदर जो है ये जो थॉल्स बने हुए हैं उनके अंदर आप रख दीजिए, और ये बहुत ही क्लीन कंपनी जो है तो इस तरीके से ऊपर वाले रैक मैंने एडजस्ट कर दी है। अब हम नीचे वाले रैक के अंदर जो है वो बर्तन अरेंज करेंगे। तो ये अरेंज हो गई है, अब नीचे वाली रैक जो है उसके अंदर हम अरेंज करते हैं अपनी प्लेट्स। तो ये देखिए ये मैंने देख लीजिए नीचे वाला बास्केट जो है वो भी अरेंज कर दिया है, ये प्लेट्स यहाँ पर इस तरीके से लगा दी हैं, ग्लासेस टम्बलर्स जहाँ जगह मिली वहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। ये हॉट बॉक्स हैं, चपाती बॉक्स जिसे कहते हैं, और ये देखिए कटोरियाँ भी यहाँ एडजस्ट कर दी है मैंने, और ये टिफ़िन, ये ऊपर वाली बैग। तो चलिए अब इसको बंद कर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बर्तन साफ़ होने के बाद जो हैं वो कैसे दिखते हैं। जब आपके डिशवॉशर में ज़ीरो इंडिकेट हो तो उसके आपको 15-20 मिनट बाद ही डिशवॉशर को ओपन करना होता है, क्योंकि उसके अंदर स्टीम होती हैं और वो आपके बर्तनों को सुखा रही होती हैं। जब आप डिशवॉशर को 15-20 मिनट बाद खोलेंगे तो आपके बर्तन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे और उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल सूखे हुए बर्तन आपको मिलेंगे। ये डिशवॉशर का प्लस पॉइंट होता है। और आपको क्या करना है, आप देखिए सफ़ाई देखिए, आप शाइनिंग देखिए बर्तनों के अंदर। तो ये एक मिथ है कि इंडियन किचन के लिए डिशवॉशर जो है वो यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल ये उसी तरीके से हैं जैसे स्टार्टिंग में वॉशिंग मशीन को लेकर के, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेकर लोगों के मिथ थे, तो ये सेम डिशवॉशर के लिए भी हैं। ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है और आपको बहुत अच्छी क्लीनिंग मिलती है इसमें, और
आप देखिए चमक देख सकते हैं बर्तनों के अंदर कितनी अच्छी चमक आई है, और पूरे सूखे हुए बर्तन हैं। देखिए आपको सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ बर्तन इकट्ठा करके यहाँ से और अपने कबर्ड में क्या कर देने हैं, सेट कर देने हैं। ना कोई सुखाने का झंझट, ना कोई छोड़। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है और इसे हर घर में होना चाहिए। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर्स भी आपको दे दूँगी। कोई भी आपको अगर डाउट होगा इस मशीन को लेने से पहले, तो हर टाइप के बर्तन इसके अंदर आ जाते हैं। हाँ, सिर्फ आपको लोहे के बर्तन जैसे कि तवा वगैरह होते हैं, और एक आपको वुडन जो स्पैचुला वगैरह होते हैं वो इसके अंदर नहीं रखने होते हैं। मैंने भी वुडन स्पैचुला रख दिया था, उससे होता ज़्यादा कुछ नहीं है, बट वो स्पॉइल हो जाता है, उसकी जो पॉलिश होती है वो ख़राब हो जाती है, और लोहे के ऊपर क्या आ जाता है, जंग आ जाता है। आप पीतल के बर्तन भी नहीं यूज़ कर सकते इसके अंदर, और कुछ एक जो डिटर्जेंट पे भी डिपेंड करता है, जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन हैं तो कुछ डिटर्जेंट्स जो ऐसे आते हैं डिशवॉशर के, वो रिएक्ट करते हैं तो वो उसको क्या कर देते हैं, उसका कलर जो है वो फेड हो जाता है, ब्लैक किश हो जाता है या फिर एक्स्ट्रा वाइटिश हो जाता है, और कुछ में नहीं होता है। तो ये एक एक करके मैं आपको बर्तन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सफाई देखिए कितनी अच्छी हुई है। हाँ, एक मिथ ये भी है लोगों का कि इसमें आपको क्लीन करके रखने होते हैं, क्लीन करके नहीं रखने होते हैं, वो आपको लेफ़्ट ओवर जो, जैसे हम सिंक में भी बर्तन साफ़ करते हैं तो जो भी खाने का बचा खुचा होता है वो हम अलग डस्टबिन में निकालते हैं, ताकि हमारी जो सिंक का ड्रेन जो है वो चौक ना हो जाए। सेम इसमें है, मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि मुझे इसको साफ़ करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। मैंने कभी भी इसके कोई इशू नहीं पाया है इस मशीन में। अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेरीज़ हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।